हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुक्ति दिवस के बारे में पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैक स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो मुक्ति दिवस। देखिए, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया भारत शासन अधिनियम 1935, और इस अधिनियम के तहत अंग्रेजों को भारत का पहला चुनाव आयोजित कराना था 1937 में। तो अधिनियम 1935 एक्ट 1935 के तहत आयोजन कराया जाएगा भारत का पहला प्रांतीय विधानसभा चुनाव 1937 में, फरवरी 1937 में। और इस चुनाव में सर्वाधिक बहुमत से जीतेंगे कांग्रेस समाजवादी पार्टी, और जीतने के बाद जुलाई 1937 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी सरकार का गठन करेगी। तो अभी भारत में सरकार के रूप में विराजित है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। और इस समय पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का माहौल चल रहा था, और इसी आर्थिक मंदी के बीच द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत होगा। देखिए, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होगा, और 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध में भारत शामिल होगा। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के वायसराय लीन लिथिगो ने भारत की विधानमंडल की अनुमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया, जिसके कारण 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे। देखिए, मंत्रिमंडल में अभी है कांग्रेस, और कांग्रेस को पूछे बिना भारत के वायसराय लीन लिथिगो ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। चूंकि कांग्रेस का मानना था कि हम सरकार में हैं और हम ही से पूछे बिना भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होगा, जिसके कारण 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देगी, जिसके कारण मुस्लिम लीग खुशी मनाएगी। और जिस दिन कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, उसी दिन मनाया जाएगा मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस, और यह मनाया जाएगा, स्थान है लखनऊ में मनाया जाएगा, और इसके नेतृत्व करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। मुक्ति दिवस इसलिए मनाया गया क्योंकि कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण मुक्ति दिवस मनाया गया लखनऊ में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। और एक चीज और ध्यान रखिए कि सरकार का गठन हुआ था जुलाई 1937 में, और सरकार ने इस्तीफा दिया 22 अक्टूबर 1939 को। तो सरकार का शासन रहा 28, कांग्रेस का शासन रहा 28 मंथ का शासन रहा कांग्रेस का, एक चीज ध्यान रखिए। तो ये थी मुक्ति दिवस और उससे संबंधित घटना। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।